BGMI 3.2 अपडेट, न्यू फीचर्स, न्यू मोड, क्या ओल्ड रैंगल आ रहा है, क्या गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड वापस आ रहा है, 120 FPS को लेकर अर्जेंट नोटिस क्या आया है, तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। BGMI 3.2 अपडेट के फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, कुछ नए फीचर्स भी देखेंगे गेम के अंदर जो एड हुए। तो क्या हाल है, कैसे हो आप, आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो आज के इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं अपडेट 3.2 के कुछ नए फीचर्स, कुछ नए अपडेट जो कि हमें नए 3.2 वर्जन के बारे में पता चले, इसलिए आज फटाफट शुरू कर देते हैं आज का ही वीडियो, लेट्स गो। BGMI 3.2 अपडेट, iOS अर्जेंट नोटिस। तो क्या है आईफोन और आईपैड प्लेयर्स के लिए अर्जेंट नोटिस 3.2 अपडेट का, ये देखो। BGMI 3.2 अपडेट को iOS 11 या उससे बाद के OS वाले प्लेयर्स ही खेल पाएंगे, किसी भी आईफोन या आईपैड में iOS 10 पर 3.2 अपडेट नहीं चलेगा, तो सबको iOS 10 से iOS 11 या उसके बाद के OS में अपडेट करना ही पड़ेगा। BGMI 3.2 एंटी चीट अपडेट, तो अब इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि अगर iOS 10 में नहीं चलेगा तो जितने भी जेल ब्रेक वाले iOS यूजर हैं जो कि हैक करते हैं, चीटर्स हैं, उन चीटर्स के फोन्स में अब गेम चलना बंद हो जाएगा। तो मतलब जिन प्लेयर्स के पास iPhone 13 Pro या उससे ऊपर के फोन है उनके फोन में भी नहीं चलेगा, और जिन प्लेयर्स के पास iPhone 13, iPhone 13 mini या फिर iPhone 12 Pro है जिनमें 120 Hz सपोर्ट नहीं है, 120 FPS सपोर्ट नहीं है, उनमें भी नहीं चलेगा, क्योंकि BGMI 3.2 अपडेट खेलने के लिए मिनिमम iOS 11 होना जरूरी है। BGMI 3.2 वर्जन एंड्रॉइड अपडेट, तो एंड्रॉइड फोन वालों के लिए क्या चक्कर है, तो यार एंड्रॉइड फोन वालों के लिए कोई चक्कर नहीं है, सबसे आसान एंड्रॉइड फोन वालों के लिए, ये सारा स्यापा आईफोन और आईपैड वालों का था बस। तो वन प्लस में जैसे 8 प्रो हो गया, सैमसंग में S23 अल्ट्रा हो गया, और इनके बराबर के स्पेक्स के जितने भी फोन है जो 120 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं उन सब में 120 FPS तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन नए OS के ऊपर एंड्रॉइड में कोई भी पंगा अभी तक नहीं है। तो इससे पहले के हम 3.2 अपडेट में जो जो फीचर्स कंफर्म हो गए उनकी बात करें, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये एक्सपेक्टेड फीचर्स जो है, जेट पैक एक नया फीचर गेम के अंदर आया है, ये कैसा लग रहा है, ये दो बंदे लेके उड़ रहे हैं भाई, इसे एक मैं उड़ा रहा हूँ और एक मेरा टीममेट है यहाँ पे। अब वैसे तो मुझे उड़ते कोई भी बंदा गोली मार नहीं पाएगा, इतना तेज उड़ता है जेट पैक, लेकिन फिर भी एक और बंदे का यहाँ स्पेस दे रखा है कि वो गन लेके बैठ जाएगा भाई ऐसे, और वो आराम से गोली चला सकता है, और कोई गोली हमारे ऊपर चलाए तो हम डॉज कर सकते हैं। न्यू व्हीकल रैली कार, ये कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक गाड़ी है, इसकी एक सीक्रेट भी है, MGU पावर सिस्टम, इसमें एक स्पेशल पावर सिस्टम है जो कि गाड़ी को ड्रिफ्ट करवाता है। तो ये देख रहे हो अभी तो बिल्कुल नॉर्मल आम साधारण गाड़ी जैसी दिख रही होगी, जैसी कूप आरबी होती है या डासिया होती है कुछ कुछ वैसी दिख रही है ना ये, लेकिन इसमें कुछ सीक्रेट्स भी है। सबसे पहले तो देख लो ये कि ब्लू बार दिख रही है इसकी, ये ड्रिफ्ट बार है, और जैसे ये बार फुल हो जाती है इसका MGU नॉस एक्टिवेट हो जाता है, समझ रहे हो, इसमें नाइट्रो लगा रखा है, नीड फॉर स्पीड बना दिया अब गेम वालों ने, यहीं पे रेसिंग करो। ये देखो जैसे ही मैंने इसे ड्रिफ्ट किया, ब्रेक लगाए, वैसी इसकी ब्लू बार फुल हो गई, और एक बार बार फुल हुई तो वहां से इसको बूस्ट कर सकते हो, समझ रहे हो, सिंगल टैप में। ये देख रहे हो क्या नॉस ओपन किया इस गाड़ी ने, क्या भाग रही है स्पीड पे, तो फिर से ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो। रुको मैं एक बार फिर से ड्रिफ्ट करता हूं, तो ये देखो जैसे ड्रिफ्ट किया तो फटाक से गाड़ी घूमती भी है, इसके ड्रिफ्ट टायर्स है, तो ड्रिफ्ट होने के बाद बार फुल हो जाती है, और बार फुल होती बूस्ट कर दो तो फिर से गाड़ी नॉस के स्पीड पे भागती है। तो जिस रफ्तार से ये गाड़ी पिकअप पकड़ रही है, किसी ने सोचा होगा कि भाई गेम के अंदर NFS भी आ सकता है, और इस तरह से भयानक तरीके से गाड़ियां पिकअप लेंगी गेम के अंदर, अब जबरदस्त लग रही है यार ये तो, MGU सिस्टम बहुत ही कमाल का है। लेकिन अब ये सोचो कि इस गाड़ी की स्किन भी आएंगी, ये कोई स्किन नहीं है, ये डिफॉल्ट स्किन है। अब सोचो इस गाड़ी की जो रेसिंग कार्स वाली स्किन आएंगी उसके ऊपर ड्रिफ्ट करने में क्या ही फील आने वाली है इस गाड़ी की। रैंगल मैप के क्लासिक अपडेट में आई है, वही तो, अभी जो जेट पैक था वो तो स्पेशल व्हीकल था जो मोड के साथ आया, पर ये क्लासिक मैप में आई है, तो ये क्लासिक अपडेट है, नई गाड़ी ड्रिफ्ट वाली ऐड हो गई है फाइनली रैंगल मैप पे, और बस अब इंतजार है तो इसके BGMI के अंदर ऐड होने का इंतजार है, एक बार ये गाड़ी BGMI के अपडेट में आ जाए भाई मजा ही आ जाएगा, क्या ही जबरदस्त गाड़ी लग रही है। मटेरियल मेकर या फिर इक्विपमेंट मेकर, ये देख रहे हो कुछ इस तरह से दो आइटम डालो और उसका एक नया आइटम बना देता है, कुछ इस तरह से सामने बॉक्स में से रैंडम आइटम निकल सकते हैं और रेयर आइटम में निकल सकते हैं, जैसे कि फ्लेयर गन वगैरह। पेन किलर और एक एनर्जी ड्रिंक डाली और इसे कंबाइन किया तो एक स्पेशल आइटम निकल गया, अब यहाँ पे मेरा तो रेयर आइटम हर बार नहीं निकलता पर दो तीन बार में एक बार कुछ ना कुछ निकल सकता है, और तो और एक स्पेशल फ्लेयर गन भी निकल सकती है जो कि रिकॉल वाली फ्लेयर गन है, मतलब रिकॉल टावर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, उस फ्लेयर गन को जहां शूट करोगे टीममेट्स वहीं रिकॉल हो जाएंगे फ्लेयर गन शूट होते। न्यू फ्लेयर स्मोक, ये स्मोक ग्रेनेड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पिछली बार देख रहे थे PC वर्जन के अंदर, पर अब ये एक तो मोबाइल वर्जन में फाइनली आ चुके हैं और दूसरा थोड़े से अलग है, ये बिल्कुल वैसे नहीं होते, ये उससे थोड़ा सा अलग इसलिए
इसलिए क्योंकि काफी देर के लिए रहते हैं। और इसलिए सबसे पहले तो मेरे कुछ दोस्त ये कह रहे थे, यार ये तो पीसी वर्जन में मोबाइल में कभी नहीं आएगा। तो ये लो यार, एक तो मोबाइल में तुम्हारे कहने से पहले आ गया, और दूसरा ये उससे भी जबरदस्त है यार। कितनी देर तक रहता है ये स्मोक, हट ही नहीं रहा यहाँ से। लेकिन अभी तो रुको, एक और मस्त बात है स्मोक की। अगर इसे तुम किसी एनीमे के ऊपर फेंकोगे तो ये उस एनीमे के कपड़ों में घुस जाएगा, बैग में घुस जाएगा, और वो बंदा फिर जहां जहां भागेगा स्मोक छोड़ता भागेगा। समझ रहे हो, ये स्मोक फ्लेयर बनाता है एनीमे के ऊपर। न्यू ऑटो ड्राइव, अब गाड़ी को रेस दे दे के उंगली से दबा दबा के परेशान होने की दिक्कत खत्म हो गई भाई। अब यहाँ पे सीधा ऑटो ड्राइव का बटन आ गया, इसे टैप करके छोड़ दो और ऑटो ड्राइव मोड में लॉक हो जाएगी गाड़ी और ऑटो ड्राइव होती रहेगी अपने आप। लेकिन ऑटो ड्राइव मोड में बस नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलती है, बूस्ट मोड में गाड़ी नहीं चलती। इसमें नॉर्मल स्पीड में अगर लॉक करके छोड़ना है तो लॉक करके छोड़ सकते हो और यहाँ से ऑटो ड्राइव होती रहती है। फ्लाई स्पेसशिप, स्पेसशिप उड़ाओ, कुछ यहाँ से एस्केलेटर इस तरह से लो और ऊपर आ जाओ स्पेसशिप पे, और यहाँ से तुम स्पेसशिप को एक्टिवेट कर सकते हो। फिर मैप पर कुछ जोन्स तक तो उतरने की जरूरत ही नहीं है, स्पेसशिप लेकर पूरे मैप पे घूमा मैं तो। यहाँ पे और भी बहुत सारी स्पेसशिप्स होती है, तो इन स्पेसशिप्स में भी दूसरे एनिमी घूम रहे होंगे, तो उनसे बच के रहना है बस, और अपने आप कहीं भी घूमते रह सकते हैं। मतलब इरेंगल मैप पे नीचे अलग बंदे फाइट ले रहे हैं, स्पेसशिप में अलग बंदे घूम रहे हैं, ऊपर फाइट ले रहे हैं, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, हर जगह स्पेसशिप उड़ रही हैं। लेकिन एक स्पेसशिप से दूसरी स्पेसशिप पे जाना हो तो या तो जेट पैक यूज करना पड़ेगा या फिर जंपर यूज करना पड़ेगा। तो जंपर कैसे यूज करना है ये भी अभी चेकआउट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ जेट पैक यूज करके मैं बहुत आसानी से अपने टीममेट की स्पेसशिप पे आ गया, और फिर अपने टीममेट को लेकर किसी और से फाइट करने कुछ इस तरह से नीचे भी निकल सकते हो। तो ये जो भी जंपर आप देख रहे हो सामने, ये स्पेशल जंपर है, इससे दो बार जंप कर सकते हैं। देख रहे हो, एक बार हवा में भी जंप हो जाता है बंदा, मतलब एक बार जंप करने के बाद एयर जंप भी हो जाती है, तो कुछ इस तरह से बहुत ऊंचा उछल सकते हैं। सो इसी के साथ अब बारी आ जाती है कि जो कंफर्म फीचर्स आ रहे हैं 3.2 अपडेट में, वो कौन कौन से रहने वाले हैं इस बार। सबसे पहला तो हो गया नए अपडेट 3.2 का नया एंटी चीट सिस्टम, पुराने हैक्स चीट सब बेकार हो जाने वाले हैं इस बार। इस बार जब अपडेट आएगा तो थोड़ी शांति रहेगी, गेम के अंदर काफी वक्त तक शायद हैकर्स नहीं मिलेंगे। फिर प्लेयर्स को और भी ज्यादा स्मूथ और 120 FPS वाला ऑप्टिमाइज गेम प्ले खेलने का मौका मिलने वाला है इस बार। तो बहुत ज्यादा गेम प्लेज और मॉन्टाज वीडियोस भी दिखेंगी आपको इसके ऊपर। और व्हीकल ब्लास्ट डीले के आने से गाड़ी में बैठे जाते हुए स्क्वाड के गाड़ी फटने की वजह से इंस्टेंट लॉबी जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। और हाँ, ओल्ड इरेंगल मैप अब कभी नहीं आने वाला, एटलीस्ट रैंक मैचेस के अंदर तो लौट कर कभी नहीं आने वाला है। तो कोई भी आपसे कहे ओल्ड इरेंगल आ रहा है तो उसकी बातों पर विश्वास मत करना, लेकिन हो सकता है कि किसी और एक्स्ट्रा मोड में दे दे। पर क्या एक्स्ट्रा मोड में खेलोगे? कोई भी नहीं खेलेगा एक्स्ट्रा मोड में अगर रैंक में नहीं आया तो, और रैंक में आएगा नहीं। फिर गॉडज़िला मोड आ रहा है, ये भी भूल जाओ, क्योंकि BGMI के साथ उसका भी कोई कोलैब अभी तक नहीं हुआ है दोबारा से, वो बहुत पहले हुआ था, अब कोई कोलैब नहीं हुआ है, तो वो मोड के आने के चांसेस भी लगभग ना के बराबर ही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।